Hi, I'm Chef Ananya Banerjee and festive season is round the corner. तो फेस्टिव सीजन में एक फुल प्रूफ रेसिपी बनाते हैं जो बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है. क्या है वो? रसगुल्ला. बंगाली स्टाइल रसगुल्ला आज बना लेते हैं. दिस इज अ प्योर छेना स्वीट एंड आई विल शो यू अ फुल प्रूफ रेसिपी. इसको अगर आप फॉलो करो तो आपको रसगुल्ला एकदम बराबर मिलेगा. तो शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाने का प्रोसेस. सबसे पहले गैस ऑन. रसगुल्ला बनता है प्योर छेना से. तो छेना कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ मैं. 1 लीटर मिल्क. रसगुल्ला के लिए जो दूध यूज़ करना है वो होल मिल्क होना चाहिए और काऊ मिल्क होना चाहिए. वेल द मिल्क इज बॉइलिंग, एक बार स्टर कर लेते हैं इसको. अभी दूध जब तक थोड़ा ठंडा होता है तब तक इसको फाड़ने का इंतज़ाम कर लेती हूँ. 2 टेबल स्पून विनेगर और 4 टेबल स्पून वाटर है, इसको मैं मिला दूंगी. दूध को स्प्लिट करने का सॉल्यूशन है रेडी. इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध में डालूंगी. दूध एकदम फट के प्रॉपर छेना बन गया है. इसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी. अभी मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसके ऊपर रखी हूँ एक मसलिन कपड़ा और इसको स्ट्रेन कर लूंगी. अभी इसको थोड़ा धो देना है क्योंकि विनेगर का जो रेसिडुअल स्मेल है उसको पूरा निकाल देना है. इसको मैं धो देती हूँ. इसको धोने के बाद एंड्स को टाइट कीजिए और इसका एक्सेस पानी निकाल दीजिए. इसको बांध के रखना है अबाउट 45 मिनट्स टू एन आवर. तब तक रसगुल्ला का जो चाशनी है वो बना लेते हैं. दिस इज वेरी डिफरेंट चाशनी, नॉट थिक लाइक गुलाब जामुन और एनी अदर मिठाई. इसका प्रोपोर्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1 कप ऑफ चीनी, 5 कप्स ऑफ वाटर. इसमें डालना है थोड़ा सा फ्लेवरिंग. मेरे पास है थोड़ा इलायची, उसको मैं थोड़ा कूट लेती हूँ. ढक्कन बंद कर देते हैं और छेना को रेडी कर लेते हैं. 45 मिनट्स उसको ड्रिप करने के बाद परफेक्ट छेना अभी रेडी हो गया. दिस इज द कंसिस्टेंसी आई वांट. विद द पाम ऑफ योर हैंड यू शुड स्टार्ट नीडिंग. दिस इज द एक्शन, लाइक दिस. इसमें जितना भी लम्ब्स है वो लम्ब्स को ख़त्म कर देना है. यू विल सून स्टार्ट नोटिसिंग दैट दिस बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड नो लम्ब्स. एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन रहा है. I'll divide this into 2 parts first, then divide into equal 5 parts. ये जो हमने छेना को portion out करके रखा है, each one portion I'll take and roll it. This is a good test to see whether your rasgulla has formed nice or not. कोई भी cracks मुझे नहीं दिख रहा है, smooth है surface, तो मतलब ये kneading और ये बराबर हुआ है. रसगुल्ला का तो पूरा शेप दे दिया मैंने. चाशनी भी रेडी है हमारा. ये बॉइलिंग चाशनी में अभी रसगुल्ला को डिप कर देना है. सो दिस रसगुल्ला शुड सिमर इन चाशनी फॉर 5 मिनट्स कवर्ड. नाउ यू हैव टू ओपन द लिड एंड कुक इट फॉर 7 मिनट्स. यामी रसगुल्लाज आर रेडी. ऐड कर देते हैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस. इसमें रसगुल्ला में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा. रसगुल्लाज आर ऑल रेडी. नाउ आई एम प्लेटिंग इट अप. दिस इज डन. इसको थोड़ा गार्निश कर देते हैं केसर से. दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल. यू कैन ऐड पिस्ताज, आमंड्स, जो भी है घर पे और आपका पसंद है. तो ये लीजिए, आपके लिए रेडी है फुल प्रूफ रसगुल्ला. ये रेसिपी
आप ज़रूर एक बार ट्राई करना घर पे और हमें बताइए कैसे लगा।